हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कंजंक्शन से जुड़े हुए एमसीक्यूज। ये वे सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कशन किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई यूज्ड टू गो टू संगम इन इलाहाबाद। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। समझेंगे इसे, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, आई यूज्ड टू मैं जाया करता था कहाँ, संगम पर, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन से है कि व्हाइल आई वाज इन इलाहाबाद, व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, व्हेन वाज आई इन इलाहाबाद और व्हाइल वाज आई इन इलाहाबाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। क्या कि जब इनका यूज हम कंजंक्शंस के रूप में कर रहे हैं, जब WH वर्ड का यूज हम कंजंक्शंस के रूप में कर रहे हैं, कनेक्टर के रूप में कर रहे हैं, उस स्थिति में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। कब? जब हम कंजंक्शंस के रूप में यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट पीछे आएगा। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, और कंजंक्शंस के रूप में जब WH वर्ड्स का यूज किया जाता है तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पर देखिए, ये दो तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। क्यों इनकरेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, इस कारण से ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऊपर वाले दो में ये जो व्हाइल होता है ना, ये व्हाइल कोई चीज जब प्रोग्रेसिव हो तो इसलिए व्हाइल का यूज किया जाता है। और ये जो सिंपल सेंटेंस है कि व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, जब मैं इलाहाबाद में था, तो यहाँ प्लेस को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा कि आई यूज्ड टू गो टू संगम, में संगम जाया करता था, व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, जब मैं इलाहाबाद में था। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक आई वाज ट्रेवलिंग फॉर आगरा, आई मेट अ रशियन हु कुड स्पीक हिंदी। ठीक है, I was traveling for आगरा, मैं आगरा के लिए ट्रेवलिंग कर रहा था। I met, मैं मिला एक रशियन से, who could speak हिंदी, जो कि हिंदी बोल सकता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। As I was, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, since की बात नहीं हो रही यहाँ पर। दो स्थिति हो सकती है कि जब मैं बस में, जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था आगरा के लिए, तो उस समय मैं एक रशियन से मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा था कि एक काम चल रहा था, भाई आगरा जाते समय में रशियन से मिला, तो क्या ड्यूरेशन में, क्या दौरान में मिला, तो जब क्या दौरान जैसा सेंस आए, तो इस समय हम व्हाइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? व्हाइल, जब प्रोग्रेसिव हो एक कंडीशन। ठीक है, पैरेलल चल रही दोनों चीजें। तो यहां पर ये वही स्थिति हो रही है कि जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो उस दौरान, तो के दौरान के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर व्हेन का यूज नहीं किया जाएगा, क्या होगा? व्हाइल आई वाज ट्रेवलिंग फॉर आगरा, जब मैं आगरा के लिए ट्रेवलिंग कर रहा था, आई मेट अ रशियन हु कुड स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोल सकता था या बोल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आई सा माय फादर, ब्लैंक आई थ्री सिगरेट। देखिए यहां पर बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिल सकता है। देखते हैं इसे। ये जो स्केर्सली और हार्डली जो होता है, सुनेंगे स्केर्सली या फिर हार्डली। स्केर्सली और हार्डली के साथ अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर यूज करते हैं हम व्हेन का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? व्हेन का। तो यहां पर तो व्हेन का यूज नहीं किया गया है। जनरली स्केर्सली के साथ हमने बोला था, इसके पहले जब हमने कंजंक्शन से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कशन किया था, तो वहां पर हमने बताया था क्या कि फिक्स्ड पेयर में कुछ रहते हैं। ठीक है, जैसे शुड के साथ लेस्ट का यूज करते हैं, है ना, नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ व्हेन का यूज करते हैं, तो कुछ फिक्स्ड पेयर होते हैं। तो ये फिक्स्ड पेयर को हमें समझना है। तो यहां पर फिक्स्ड पेयर में हमने क्या बोला है कि हार्डली और स्केर्सली के साथ किसका यूज किया जाता है? व्हेन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, किसका यूज किया जाता है? व्हेन का। तो यहां पर तो व्हेन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और एक बात समझेंगे, ये जो स्केर्सली है ना, स्केर्सली के साथ हम बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड? बिफोर का। स्केर्सली के साथ या तो व्हेन का यूज किया जाएगा या फिर बिफोर का यूज किया जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्केर्सली और हार्डली जब उपयोग किया जाता है, तो स्केर्सली और हार्डली के बाद जो सेंटेंस, पहला सेंटेंस आएगा वो होगा इंटरोगेटिव। क्या होगा फ्रेंड्स?
इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। इट मीन्स स्केर्सली और हार्डली के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे स्केर्सली आई सा, ये सिंपल स्केर्सली का यूज नहीं किया जा सकता। स्केर्सली के साथ क्या यूज किया जाना चाहिए, यहां पर डिड का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है और यह जो सेंटेंस है पास्ट में, इसलिए यहां पर भी कुछ पास्ट सा होना चाहिए। तो क्या होगा, स्केर्सली डिड। अब स्केर्सली डिड तो दो कंडीशन दोनों में है, फर्स्ट में भी स्केर्सली डिड आ रहा है, सेकेंड सी में भी स्केर्सली डिड आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि या तो जनरली क्या यूज किया जाता है, वेन का यूज किया जाता है। अगर वेन नहीं हो तो आप जो दूसरा यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं बिफोर का। किसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिफोर का। तो क्या होगा, स्केर्सली डिड आई सा माई फादर, मैंने अपने पिताजी को न देखा ही नहीं कि बिफोर आई थ्रू सिगरेट, उसके पहले मैंने सिगरेट को फेंक दिया। तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, बिफोर का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ब्लैंक आई सा माई फादर, तो ब्लैंक की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्केर्सली डिड। और स्केर्सली के साथ जनरली हम क्या यूज करते हैं, वेन का यूज करते हैं, लेकिन वेन नहीं होने की स्थिति में बिफोर का भी कुछ स्थिति में उपयोग किया जा सकता है, और हम यहां पर बिफोर की बात कर रहे हैं। तो स्केर्सली डिड बिफोर, ये सी वाला जो है इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट कि स्केर्सली हार्डली से उससे अगर कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है तो पहला सेंटेंस जो होगा वो इंटरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, द यूएसए हैज ब्लैंक अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ब्लैंक अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। देखिए बोथ का यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि बी ओ टी एच बोथ का जब यूज करते हैं तो बोथ के साथ हम कनेक्टर के रूप में एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंड का, कि दोनों कौन, राम एंड बोथ, राम एंड श्याम, दोनों राम एंड श्याम, ठीक है। बोथ कश्मीर एंड कन्याकुमारी, कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों, ठीक है। तो यहां पर बोथ के साथ हम किसका यूज करेंगे, कनेक्टर का, एंड का यूज करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स बोथ के साथ क्या आ गया, बट आ गया, ठीक है। दोनों स्ट्रांग इकोनॉमी और स्ट्रांग फोर्स दोनों अपने आप में पॉजिटिव चीजें, तो पॉजिटिव चीज को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए वहां पर एंड का यूज करते हैं। जब एक समान दोनों चीजें होती है ना, तो एंड से। बट का यूज कब करते हैं, जब दोनों का सेंस अलग अलग हो, अलग अलग हो मतलब कि भैया स्ट्रांग इकोनॉमी तो है लेकिन स्ट्रांग फोर्स नहीं है, तो तब हम ऐसी स्थिति में क्या का यूज करते हैं, लेकिन। लेकिन हमने क्या बोला कि स्ट्रांग इकोनॉमी भी है और स्ट्रांग फोर्स भी है, मतलब दोनों पैरेलल एक समान चीजें हैं, तो इसलिए एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बट का यूज होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द यूएसए हैज नॉट अ स्ट्रांग इकोनॉमी बट अ स्ट्रांग फोर्स, ऐसी बात तो भी नहीं हो रही है, ठीक है। नॉट ओनली स्ट्रांग इकोनॉमी बट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, भैया न केवल स्ट्रांग इकोनॉमी है बल्कि स्ट्रांग फोर्स भी है, मतलब ये दोनों पैरेलल चीजें बता रही है। तो यहां पर ये सी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, केवल एक संभावित हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है, नॉट ओनली द यूएसए इज नॉट ओनली अ स्ट्रांग इकोनॉमी, न केवल एक स्ट्रांग इकोनॉमी है बट अ स्ट्रांग फोर्स, बट ऑल्सो अ स्ट्रांग फोर्स। यहां पर किसका यूज होगा, बट ऑल्सो, क्योंकि हमने यह भी पढ़ा है कि नॉट ओनली के साथ किसका पेयर होता है, बट ऑल्सो का पेयर होता है। किसका पेयर होता है, नॉट ओनली के साथ किसका पेयर होगा फ्रेंड्स, बट ऑल्सो का। तो ये कुछ पेयर से जो हम अभी बात कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेज में, अलग अलग क्वेश्चन में, इनको आप याद रखेंगे। क्या पढ़ा अभी तक हमने, हमने यह पढ़ा है कि स्केर्सली के साथ वेन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ भी हम वेन का यूज करते हैं, नहीं हो तो बिफोर का भी किया जा सकता है, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा, बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ हम बट अल्सो का यूज करते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कंजंक्शन में ये जो पेयर्स होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस यही से आते हैं, इसलिए इन पेयर्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ही इज ब्लैंक इडियट, ब्लैंक फूल। अब यहां पर देखिए दोनों इडियट और फूल दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। देखिए कंट्रोवर्सी जब होती है तो हम बट से जोड़ते हैं, लेकिन जब पैरेलल एक समान होते हैं तो बोथ एंड से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ही इज बोथ इडियट एंड फूल। अब देखिए बोथ भी जुड़ा हुआ है, एंड भी जुड़ा है, यहां पर समस्या क्या हो सकती है, ये इडियट और फूल एडजेक्टिव ना होते हुए यहां पर नाउन है,
इडियट और फुल एडजेक्टिव ना होते हुए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट है या फिर नाउन है। और जब ये नाउन के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? आर्टिकल का। जब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ में हमने पढ़ा है कि अगर अ से अह के बीच में हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम एन का यूज़ करते हैं। और क से ग, सर ये तो आप हिंदी बता रहे हैं, अरे भैया हम साउंड बता रहे हैं। साउंड क्या होता है? वोवेल और कॉन्सोनेंट दो साउंड होते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट कोई लेटर या लेटर नहीं होते, ये साउंड के नाम है। ठीक है, तो अगर क से अह के बीच में वोवेल साउंड का अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो फिर हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। इडियट, इडियट मतलब वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। फुल, फ है ना, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है इसलिए ए का यूज़ करेंगे। बोथ एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बोथ एंड केवल है लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए था आर्टिकल्स का उपयोग, वो आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर संभावना बन सकती है बोथ एंड, तो बोथ के बाद कौन सा आएगा? इडियट आएगा, तो इसके लिए आर्टिकल एन का यूज़ किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करेक्ट, बोथ एन इडियट एंड ए फूल। ठीक है, तो ये एन का भी यूज़ किया गया है इसमें और ए का भी यूज़ किया गया है इसलिए यह स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो क्या होगा? ही इज एन इडियट, ही इज बोथ, वो दोनों है, एन इडियट एंड ए फूल, वो इडियट भी है और फूल भी है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और कंजंक्शंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इट इज ब्लैंक, इट इज़ ब्लैंक शी वुड गो टू मार्केट विथ अस। इट इज़ डाउटफुल वेदर, इट इज़ डाउट दैट, इट इज़ डाउट वेदर, इट इज़ डाउटफुल दैट। देखिए जनरली क्या होता है, ये जो वेदर यूज़ किया गया है, ठीक है, ये जो वेदर यूज़ होता है, वेदर में क्या होता है कि चाहे कोई कंडीशन हो और नॉट या नहीं हो, इस तरीके का मतलब ये संदेह वाली स्थिति को यूज रिप्रेजेंट करता है। कौन? वेदर। वेदर जब संदेह वाली स्थिति को, क्योंकि संदेहास्पद है कि चाहे कोई चीज हो या नहीं हो, डाउट वाली स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब डाउट वाली स्थिति को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसके साथ डाउटफुल का यूज़ किया जा सकता है। क्यों यूज़ किया जा सकता है? क्योंकि ये जो और नॉट वाली जो कंडीशन होनी चाहिए, और नॉट वाली, ये कंडीशन यहाँ पर नहीं दी हुई है। वेदर का यूज़ किया गया है लेकिन और नॉट की कंडीशन नहीं यूज़ की गई है, और इसीलिए हमने यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया जा सकता है डाउटफुल का। तो क्या होगा? इट इज़ डाउटफुल वेदर शी वुड गो टू मार्केट विद अस। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डाउटफुल है, संदेहास्पद स्थिति है कि वो हमारे साथ जाएगी या नहीं। तो इट इज डाउटफुल वेदर शी वुड गो टू मार्केट विद अस। डाउट दैट, डाउट के साथ दैट नहीं होता है, डाउट के साथ वेदर नहीं होता है, डाउटफुल के साथ दैट नहीं होता है। ठीक है, तो डाउटफुल के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? वेदर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन आई वांटेड टू टेक पेन फ्रॉम माय पॉकेट, जब मैं अपने पॉकेट से पेन निकालना चाहता था, आई फाउंड, मुझे ये मिला, प्राप्त हुआ, दैट आई हैव ब्लैंक। क्या मिला? कि आई हैव, मेरे पास नहीं है, आई हैव, मेरे पास है, नो रेड पेन नोर ब्लू पेन, नो रेड पेन और ब्लू पेन, नॉट रेड पेन एंड ब्लू पेन, नो रेड पेन एंड नो ब्लू पेन। एक बात समझेंगे यहां पर, नो के साथ नोर का उपयोग नहीं किया जाता है। नोर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो हमने पढ़ा है कि नीदर के साथ हम नोर का उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, नो के साथ नोर का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें, नो रेड पेन और, यह संभावना बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही हैज नॉट रेड पेन एंड, नॉट के साथ एंड नहीं होता है, नो रेड पेन एंड नो ब्लू पेन। ठीक है, यह स्थिति भी एक बन सकती है, लेकिन जनरली जब इस तरीके का कंफ्यूजन वाली कहीं ना कहीं स्टेज हमको दिखे कि दो में से क्या, दो में से कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि नो, नन या नॉट, नो, नन या फिर नॉट के साथ और का यूज किया जा सकता है। बात समझ में?
नो, नन और नोट के साथ जब डाउटफुल स्थिति हो, दो में से किसी एक सिलेक्शन की बात हो, तो ऐसी स्थिति में हम और का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, व्हेन आई वांटेड टू टेक पेन फ्रॉम माय पॉकेट, मैं अपने पॉकेट से पेन निकालना चाहता था, आई फाउंड दैट आई हैव नो रेड पेन और ब्लू पेन, मतलब ना तो मेरे पास रेड पेन था ना ही ब्लू पेन था। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा नो एंड और का होगा। चलिए नेक्स्ट है ब्लैंक, आई शैल नॉट अलाउ यू टू गो होम, मैं तुम्हें घर जाने की अनुमति नहीं दूंगा, व्हेन वी कंप्लीट दिस वर्क, ब्लैंक वी कंप्लीट दिस वर्क। देखिए ये जो ब्लैंक है यहां पर हमें ये जो शब्द दिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स हमें कंडीशन जैसे दिख रहे हैं, शर्त जैसे दिख रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए ना, मैं आपको घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाने दूंगा, वी कंप्लीट दिस वर्क, हम इस घर को इस काम को कंप्लीट, तो जब तक हम इस कार्य को कंप्लीट नहीं करेंगे मैं आपको घर नहीं जाने दूंगा। तो यहां पर एक शर्त की बात हो रही है, और जब भी शर्त की बात होती है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, शर्त में हमको यह ध्यान रखना है कि शर्त में हमारे पास दो चीजें होती है, टिल का यूज करते हैं ठीक है, अनलेस का भी यूज करते हैं ठीक है, और एक होता है अनटिल। अनटिल और अनलेस का दो शर्त में हम यूज करते हैं। अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है, अनटिल और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं ठीक है। आई शैल नॉट अलाउ यू टू गो होम, मुझे आपको घर जाने की अनुमति नहीं दूंगा, घर नहीं जाने दूंगा, वी कंप्लीट दिस वर्क, यदि हम इस कार्य को कंप्लीट नहीं करते हैं तो, या जब तक हम इस कार्य को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ये जब तक नहीं या यदि नहीं, ये तो इसके दो अर्थ होते हैं, किसके, अनलेस और अनटिल के ठीक है। अब अनलेस और अनटिल में क्या अर्थ है तो फ्रेंड्स समझेंगे, जब हम अनलेस की बात करते हैं तो हम यहां पर कोई शर्त रखेंगे, कोई एक्शन रखेंगे, किसी कार्य की बात होगी, जबकि जब हम अनटिल का यूज करते हैं तो अनटिल में हम शर्त तो रखते हैं लेकिन हमारी जो शर्त होती है, हमारी जो शर्त होती है वो शर्त समय के साथ होती है कि जब तक 6 नहीं बजते, जब तक 5 नहीं बजते, इस तरीके की जो शर्त, समय वाली जो शर्त होती है, तो समय के लिए अनटिल का यूज़ करते हैं, और कोई एक्शन से जुड़ी हुई शर्त अगर होती है तो उसके लिए हम अनलेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वी कंप्लीट दिस वर्क, हमारा इस कार्य को कंप्लीट करना क्या समय है या किसी एक्शन की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन की जब हमारे सामने बात होती है तो उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने बताया है कि जब समय शर्त की एक्शन की बात होती है तो उस स्थिति में हम अनलेस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, अनलेस का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आई शैल नॉट अलाउ यू टू गो होम, मैं आपको घर नहीं जाने दूंगा, अनलेस वी कंप्लीट दिस वर्क, जब तक हम इस कार्य को कंप्लीट नहीं करते हैं। अनलेस और अनटिल के बारे में एक बड़ा प्यारा पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट में अनलेस या अनटिल का यूज करते हैं तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वह सेंटेंस पॉजिटिव होता है। इस सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड नॉट, नेवर, नो, इस तरीके के वर्ड नहीं यूज होंगे। क्यों नहीं, क्योंकि ये अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव कॉन्सेप्ट पैरेलल लेकर के चलते हैं, यदि नहीं, जब तक नहीं, इसलिए इनके बाद कभी भी नॉट, नेवर, नो वाला स्टेटमेंट नहीं आता है। बात समझ में आ गई, चलिए अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचा सके और उनका सभी का फायदा हो सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक शी हैज गॉन मेड, ब्लैंक शी हैज गॉन मेड वाज ब्लैंक शी लॉस्ट ही हर यंग सन ठीक है, द रीजन वाई एज सो एज सो द रीजन वाई दैट। कनेक्टर की जब हम बात करते हैं ठीक है, तो कनेक्टर से अभी यहाँ स्थिति को समझते हैं, क्या स्थिति है, शी हैज गॉन मेड, वह पागल हो चुकी है, शी लॉस्ट हर यंग सन, उसने अपना यंग सन खो दिया है ठीक है, तो ये एक स्थिति है ठीक है। तो वो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है ठीक है, द रीजन वाई शी हैज गॉन मेड, उसका रीजन क्या है कि उसने वो पागल हो चुकी है, तो ये द रीजन वाई
द रीजन वाई शी हैज गॉन मेड, इसका कारण क्या है कि वो पागल हो चुकी है, वाज रीजन क्या था, दैट कि शी लॉस्ट हर यंग सन. ध्यान रखेंगे कि द रीजन के साथ, द रीजन वाई के साथ हम दैट का यूज करते हैं, एज का यूज नहीं करते हैं. अब एज का यूज क्यों नहीं करते हैं, दैट का यूज कब करते हैं, ये आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे उसमें और विस्तृत रूप से समझाएंगे कि भैया एज जब लगाते हैं तो एज में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है, और दैट के साथ हम क्लॉज का यूज करते हैं. क्या होता है सर इन्फिनिटिव, क्या होता है क्लॉज, आगे हम डिस्कशन करेंगे. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. ही बिहेव्स ब्लैंक दो ही इज नॉट टैलेंट, ठीक है. ही बिहेव्स लाइक हिम, ही बिहेव्स लाइक हिम, ही बिहेव्स लाइक हिम, ही बिहेव्स लाइक हिम. तो ये चारों स्टेटमेंट, यहाँ तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. तो ही बिहेव्स लाइक हिम दो, हालांकि ही इज नॉट टैलेंटेड लाइक ही, एज हिम, एज ही, सो एज हिम, ठीक है. देखिए जो पहला स्टेटमेंट है लाइक के समान, तो यहाँ पर तो हो सकता है, लेकिन जो है ही इज नॉट टैलेंटेड, जो टैलेंटेड नॉट टैलेंटेड, ये पूरे स्टेटमेंट की बात हो रही है. और जब पूरे स्टेटमेंट की बात होती है, ठीक है, तो फिर यहां पर लाइक का यूज हम नहीं करते हैं. लाइक क्या है समझेंगे. लाइक एक प्रीपोजिशन है, एज का भी मतलब होता है के समान, और लाइक का भी मतलब होता है के समान. लाइक हम किसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक हम यूज करते हैं किसी, या लाइक के बाद हम किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, जबकि के समान जब एज का यूज किया जाता है तो एज के बाद किसी स्टेटमेंट या क्लॉज की बात की जा सकती है, किसी स्टेटमेंट की बात हो सकती है. तो यहां पर वो व्यवहार तो करता है लेकिन वह उतना टैलेंटेड नहीं है, उसके समान टैलेंटेड नहीं है, ठीक ठीक है. तो यहां पर हम यूज करेंगे एज ही. सर ये एज ही क्यों करेंगे, हम लाइक ही भी तो कर सकते हैं, सो एज हिम भी तो कर सकते हैं, एज ही करने का क्या कॉन्सेप्ट है. तो हम ये बता रहे हैं कि ही इज नॉट टैलेंटेड, वो उतना टैलेंटेड नहीं है एज ही जितना कि वह है. दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ठीक है, एक तो वह व्यवहार करता है उसके जैसा, ठीक है, तो दोनों मेल है इसलिए ही का यूज किया गया है, ठीक है. तो एज ही मतलब उसके समान की बात हो रही, तो उसके समान के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज ही का यूज करेंगे, ठीक है. सर ये हमने तो सुना है कि एज हिम उसके समान के लिए हिम का यूज करता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है ना उसका सब्जेक्ट से हो रहा है. जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो हम सब्जेक्टिव का ही यूज करते हैं, इसलिए एज ही का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट है 70 ईयर्स ब्लैंक सिंस क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस. 70 ईयर्स ब्लैंक, देखिए ये जो सिंस वाली जब भी स्थिति बने आपको, तो सिंस के बाद वाली जो स्थिति होती है, टाइम के साथ अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस के बाद वाला जो होता है वो पास्ट होगा. और अगर ये 70 ईयर्स टाइम वाली बात होती है स्टार्टिंग में, किसके पहले, सिंस के पहले वाला, सिंस के पहले वाले स्टेटमेंट में अगर टाइम की बात हो रही है, सिंस के पहले वाले स्टेटमेंट में अगर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम परफेक्ट वाला लेते हैं. तो 70 ईयर्स हैव बीन पास्ड, क्या यूज किया जाएगा, 70 ईयर्स हैव पास्ड भी, हैज पास्ड भी हो सकता है, हैव बीन पास्ड भी हो सकता है, लेकिन 70 ईयर्स एक सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसको पैसिव में बनाते हैं. तो क्या हुआ, 70 ईयर्स हैव बीन पास्ड सिंस क्विट इंडिया मूवमेंट टू प्लेस, जब क्विट इंडिया भारत छोड़ आंदोलन ने हुआ था मतलब. चलिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार क्लास से हमको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, तो आप एक और चीज, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. कहाँ पर मिलेगा सर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, और हो सकता है कि आपके मनपसंद कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हो. अभी ऑफर, कुछ ऑफर चल रहा है तो बहुत ही मिनिमम फीस में आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और जानकारी ले सकते हैं वहाँ से. 15 ईयर्स ब्लैंक पास्ड सिंस आई ब्लैंक इन इलाहाबाद, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी वही है, ठीक है. तो सिंस वाली बात हो रही है जब समय की बात हो रही हो, ठीक है, और सिंस का उपयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में समय के साथ परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा, और सिंस के बाद वाला जो आएगा, देखिए फ्रेंड्स ये सिंस के बाद वाला जो आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पर अगर टाइम कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो फिर ऐसी स्थिति में इसके पहले जो यूज़ होगा वो होगा परफेक्ट में, ठीक है. और परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या होगा, 15 ईयर्स हैव बीन पास्ड सिंस आई ब्लैंक, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या है, केम.
तो यहां पर जो डी वाला स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट समझते हैं. इट इज ब्लैंक 50 इयर्स सिंस वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. वही बात हो गई, सिंस दे दिया हुआ है, 50 इयर्स दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, पास्ट. पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल यूज किया जाता है, तो फाइट वर्ब है तो वॉज फोर्ट आएगा. क्यों आएगा? ठीक है, द वॉर युद्ध की बात हो रही है. ठीक है, युद्ध की बात हो रही है, पैसिव में लिया गया है कि भाई युद्ध लड़ा गया, तो वॉर वॉज फोर्ट आएगा, तो ये पैसिव में वॉज फोर्ट आ जाएगा. ठीक है, और पहला क्या होगा, प्रेजेंट में, तो इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इट के साथ हम यूज करते हैं हैज. ठीक है, तो इट हैज वॉज फोर्ट फिर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, तो इट हैज 50 ईयर्स सिंस वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज फोर्ट. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए होगा. देखिए बड़ा ही सरल सा है, बड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. क्या याद रखना है, हमने बड़ा है ना बताया ना क्या, कि अगर सिंस आ रहा है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे, और टाइम की बात हो रही है तो यहां पर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, जनरली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. जब पैसिव की बात होती है तो वॉज वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं. नेक्स्ट समझते हैं. आई कीप सम चॉकलेट्स ब्लैंक टू हैव देम एज अ डेजर्ट्स, है ना. मैं कुछ चॉकलेट्स रखता हूँ. ठीक है, आई कीप सम चॉकलेट्स सो दैट टू हैव देम डेजर्ट, सो फॉर टू हैव देम एज अ डेजर्ट, सो एज टू हैव. देखिए बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को याद रखना है. क्या रहा याद रखना है भैया, ये देखो सो और एज जब भी आते हैं ना, सो एज. ठीक है, तो एज के साथ स्थिति, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे. एज के बाद क्या रहेगा पता है, एज के साथ हमेशा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, एज के साथ क्या रहेगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा. और ये जो दैट आता है ना, दैट में क्या होता है, दैट में पूरा स्टेटमेंट होता है. दैट में क्या होता है, पूरा स्टेटमेंट होता है, क्लॉज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सो के साथ जब एज लगा हुआ, एज किस कंडीशन में लगाना है, तो जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे. क्या दिखे फ्रेंड्स, टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे तो हम सो के साथ एज का यूज करेंगे. ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे तो फिर सो के साथ हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे. बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप रट लेंगे, घोट लेंगे, अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी. आई कीप सम चॉकलेट्स, मैं कुछ चॉकलेट्स रखता हूँ, सो एज टू हैव देम एज अ डेजर्ट, ताकि मैं उनको डेजर्ट के रूप में दे सकूँ, या ताकि वह डेजर्ट के रूप में, तो सो एज का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं. रहीम ऑलवेज अवॉइड्स क्वारलिंग, रहीम जो है हमेशा अवॉइड करता है क्वारलिंग को विथ अदर्स, दूसरों से. ब्लैंक ही कैन कीप हिज माइंड कूल, देखिए ये जो सो देट है ना, सो देट जब साथ में आता है ना तो इसका एक और अर्थ निकलता है. सो देट का अर्थ निकलता है ताकि, सो देट का अर्थ क्या निकलता है, ताकि. और हमने एक और बात बताई है, क्या बताई है, ये देखिए यहां पर ये दो, इसके पहले वाला स्टेटमेंट में देखेंगे, ब्लैंक के बाद हमें क्या मिला, टू हैव मिला. ब्लैंक के बाद हमें क्या मिला, टू हैव. और हमने क्या कहा कि टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम सो के साथ क्या यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, सो के साथ एज का. लेकिन हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि सो के साथ हम देट का यूज करते हैं उस कंडीशन में जब सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा हो, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा हो. ठीक है, तो यहां पर देखिए ब्लैंक अदर्स, अब देखिए ही सब्जेक्ट प्लस है ना क्लॉज आ गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब आ गया. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब जब आएगा तो उसे हम क्लॉज करते हैं, और क्लॉज के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट समझते हैं. ही बिहेव्स इन सच अ वे ब्लैंक हिज डेटर, ठीक है, ब्लैंक इज डेटर, वो इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे हिज डेटर उसका डेटर हो. डेटर मतलब कर्जदार हो, ऋणी हो. ठीक है, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, एज इफ का मतलब क्या होता है,
वो इस तरीके से व्यवहार करता है मानो कि मैं उसका कर्जदार हूँ, मानो कि मैं उसका डेटर हूँ। ठीक है, तो मानो कि मतलब क्या हो गया, एज इफ। तो ही बिहेव्स इन अ सच वे, इस तरीके से व्यवहार करता है एज इफ, मानो कि। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव बीन और आई वर, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब शर्त वाली कुछ इस तरीके से बात हो, जब इफ की कंडीशन हो, तो वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वर का यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर इफ से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। सपोज दैट से शुरू हो रहा है तब भी हम वर का यूज़ करेंगे। तो ये बड़ा ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। ये बातें जो होती है ना, ये आपके एग्जाम्स में नंबर बढ़ाती है। ठीक है, एज इफ सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर का। जनरली जब हम सिंपल तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई के साथ हम वॉज लिखते हैं, वी यू दे प्लूरल के साथ हम वर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात होती है, जनरली ये फॉर्मूला चलता है। लेकिन जैसे ही हम इसके सामने इफ लगा देते हैं ना, इफ लगा देते हैं तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, पता है आपको, अगर हम इफ लगा देते हैं तो फिर सभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई, अगर इफ आता है तो सभी के साथ वर लगता है। जनरली क्या होता है, आई के साथ वॉज लगेगा, वी यू दे प्लूरल के साथ वर लगेगा, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। तो एज इफ, इफ आ गया इसलिए क्या होगा, आई वर, डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखे हैं, रामू हैज़ टू वर्क, रामू को कार्य करना है, ब्लैंक हिज फादर हैड डाइड व्हेन ही वाज 5 years old। ठीक है, बिकॉज हिज फादर हैड डाइड, फॉर हिज फादर हैड डाइड, सिंस हिज फादर हैड डाइड। ठीक है, एज, तो यहां बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रामू को कार्य करना पड़ता है, हैज़ टू वर्क, क्योंकि हिज फादर हैड डाइड, क्योंकि उसके पिताजी का इंतहा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मधु डजेंट नो, मधु नहीं जानती है, ब्लैंक ड्यूरिंग फ्लड, वेयर शी वेंट, वो कहाँ गई, वेयर वाज शी गो, वेयर दैट शी वाज टू गो, वेयर दैट शी वेंट। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि जब कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, कनेक्टर का यूज़ किया जाता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब ये वॉज पहले आ गया इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, वेयर दैट शी वॉज टू गो, वेयर दैट शी वेंट, ठीक है, वेयर शी वेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या कि वेयर के साथ हम दैट का यूज नहीं करते, वेयर के साथ हम दैट का यूज नहीं करते। तो क्या बनता है सिंपल सा, मधु डजेंट नो, मधु को नहीं पता है, दैट मधु डजेंट नो, मधु को नहीं पता है वेयर शी वेंट, कि वह कहाँ गई। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, पहला वाला स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, माय एडवोकेट फॉरबिड, मना कर दिया मी मेक एनी चेंज अंटिल द केस इज डिसाइडेड, कब तक के लिए, कि जब तक कि मेरा केस डिसाइडेड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो माय एडवोकेट फॉरबिड मी दैट मेक, दैट टू मेक, या फॉरबिड मी टू मेक, और नो कंजंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, फॉरबिड मी टू मेक का यूज़ किया जाना चाहिए, सी सिंपल सा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर केवल टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, माय एडवोकेट फॉरबिड मी टू मेक एनी चेंजेस अंटिल द, नेक्स्ट है इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया, वो ब्लैंक ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ब्लैंक ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही इज रिच। ठीक है, फॉर इफ ये मीन्स होता है यदि, फॉर ऑल जो कुछ भी किया उसने, ही डिड नॉट, फॉर ऑल ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ ही इज रिच, ये भी नहीं होता है। सो ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ इज रिच, इसलिए नहीं होता है। एज ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ ही इज रिच। अब देखिए, यहां पर दो कंडीशंस हमारे सामने आ रही है, कौन कौन सी कंडीशंस है, पहली कंडीशन एज ही डिड नॉट डू एनीथिंग, जैसे कि उसने कुछ नहीं किया, हिज लाइफ ही इज रिच, ये भी नहीं आएगा। यहां पर देखिए एक और कंडीशन बन रही है, ये जो फॉर ऑल दिया हुआ है, फॉर ऑल का मतलब दो वर्ड होते हैं, एक होता है यद्यपि भी होता है, तथापि भी होता है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वे समझते हैं इस चीज़ को। तो यद्यपि या तथापि, ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ ही इज रिच, हालांकि उसने अलग से कुछ नहीं किया, वो पहले से ही अमीर है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो सकता है वो हो सकता है फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ ही इज
रिच, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी होगा. नेक्स्ट है ब्लिंक, यू गिव योर फुल एफर्ट्स यू ब्लिंक सक्सीड. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी दो स्टेटमेंट के बारे में कि एक आता है अनटिल और एक होता है अनलेस. अनटिल और अनलेस के बारे में हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था अनटिल और अनलेस के बारे में कि अनटिल का मतलब भी होता है वही जब तक नहीं शर्त की बात हो रही, अनलेस का भी वही अर्थ हो रहा है. फिर क्या अंतर आ रहा है, अनटिल जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अनटिल के साथ टाइम की बात होती है, ठीक है, और यहाँ पर किसी न किसी एक्शन की बात होती है, शर्त की बात होती है. शर्त यह भी है लेकिन वहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा. तो अनलेस मतलब अनटिल टाइम की बात होनी चाहिए, तो यू गिव योर फुल एफर्ट्स तो अनटिल तो नहीं आएगा, बचता क्या है अनलेस. तो अनलेस मतलब जब तक नहीं, ध्यान रखेंगे अनलेस का नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है, अनलेस अपने साथ में नेगेटिव पॉइंट ले करके चलता है, नॉट उसमें इंक्लूडेड होता है. तो क्या होगा, अनलेस यू गिव योर फुल एफर्ट्स, जब तक अपना फुल एफर्ट्स नहीं देते हैं, यू सक्सीड, आप सफल हो सकते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यू कैन नॉट सक्सीड. तो क्या होगा, अनलेस यू गिव योर फुल एफर्ट्स, जब तक आप अपना फुल एफर्ट्स नहीं दे सकते, यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते हैं. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. ब्लैंक शी वॉज वॉकिंग स्लोली, आई हायर्ड अ टैक्सी. ठीक है, ब्लैंक शी वॉज वॉकिंग स्लोली, कंसिडरिंग शी वॉज वॉकिंग स्लोली, आई कंसिडरिंग एज कंसिडरिंग दैट एंड कंसिडर दैट. ठीक है, यहाँ पर जो कंसिडर अर्थ होता है, कंसिडर का कंसिडरिंग दैट, कंसिडरिंग का मतलब होता है, देखो कंसिडरिंग का मतलब क्या होता है, समझना या मानना. कंसिडर जो वर्ब होती है उसका मतलब क्या होता है, सोचना विचारना मानना समझना. ठीक है, तो ये कंसिडर मैंने किया कि शी वॉज वॉकिंग स्लोली, मैंने ये माना. ये जब भी हम कॉज को बताते हैं, जब भी हमको कारण को बताना होता है, तो कारण बताने के लिए हम यूज करते हैं कंसिडरिंग दैट. क्या यूज़ करते हैं, कंसिडरिंग दैट. कंसिडरिंग दैट का मतलब होता है कि भाई हम यह कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं, कि शी वॉज वॉकिंग स्लोली, वो वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए आई हायर्ड अ टैक्सी, मैंने टैक्सी हायर्ड कर ली. तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सी होगा. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं. द पुलिस मैन टोल्ड मी, पुलिस मैन ने मुझे कहा, दैट ही न्यू दैट, वो जानता है, दैट सेंट ब्लैंक ही हैड बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन फॉर 15 ईयर्स. पुलिस मैन ने मुझे कहा कि भाई वो जानता था दैट कि सेंट ब्लैंक ही हैड बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया है एंड स्पेंट टू प्रिजन फॉर 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स के लिए जेल भेजा गया है. वेन ही हैड, एज ही हैड, While he has and since he had. यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कारण बताने की बात हो रही है, और कारण के लिए हम since का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, since का. तो क्या होगा, since he had. Next समझते हैं. The police officer says, वही है, आई लर्न ब्लैंक वन कैन बी गुड ह्यूमन बींग इफ वन लर्न्स फ्रॉम वंस मिस्टेक. आई लर्न, मैंने सीखा है क्या, ब्लैंक एज वन कैन बी गुड ह्यूमन बींग, कोई व्यक्ति ह्यूमन बींग बन सकता है इफ वन लर्न्स फ्रॉम वंस मिस्टेक, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है. तो एज दैट सो फॉर एंड नो कंजंक्शंस. तो मैंने सीखा है, क्या सीखा है, दैट की, ये दैट कंजंक्शंस है, दैट का मतलब होता है कि, मैंने सीखा है कि वन कैन बी गुड ह्यूमन बींग, एक व्यक्ति अच्छा, कोई भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है इफ वन लर्न्स फ्रॉम वंस मिस्टेक, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, हम भी काफी आगे पहुंच सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं. आई ब्लैंक राज कैन चेंज हिज वे बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड. आई बिलीव इफ. देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में जब कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न में याद रखना है कि सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे है और प्लूरल है, तो आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम एंड सिंगुलर है, तो उस स्थिति में हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने की बात सोचनी चाहिए.
आई वी उदय प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है, देखिए सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई के साथ हमने क्या कहा है कि केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब ये बिल्यूस हो गया तो जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, बिल्यूस हो गया जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, दो स्टेटमेंट ऐसे ही हट गए। कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन से प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ध्यान क्या रखना है कि आई वी यूदे प्लूरल के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आपको जोड़ना है। अब बचता क्या है, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, राज कैन चेंज हिज वे बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड, और आई बिलीव इफ, मैं मानता हूँ यदि राज कैन, तो यदि राज कैन चेंज ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज आई बिलीव, आई बिलीव राज कैन चेंज हिज वेज, मैं मानता हूँ। और मॉडर्न इंग्लिश जो होती है ना वो बिलीव और इनके बाद दैट का यूज़ नहीं करती, वो अप्रोप्रिएट नहीं समझते, तो बिलीव के बाद जनरली जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्ट्रेंजर वॉज वॉन्ट नॉट टू रन अवे ब्लैंक ही ब्लैंक बी शॉट, द स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति था, वॉज वॉर्न्ड उसे वार्न किया गया, ठीक है, चेताया गया, नॉट टू रन अवे नहीं भागने के लिए ब्लैंक, अदरवाइज ही शुड बी शॉट, लेस्ट ही शुड बी शॉट, लेस्ट लेस्ट वाइल शुड बी अदरवाइज विल, तो इसमें जो पेयर है कहीं ऐसा ना हो, या फिर इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं तो यहाँ पर ये लेस्ट और शुड का पेयर चलता है, ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी लेस्ट और शुड दिखे तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्शन कर ली जाए, ठीक है, तो द स्ट्रेंजर को वार्न किया गया कि भागो मत, कहीं ऐसा ना हो उनको शॉट कर दिया जाए, तो ये कहीं ना ऐसा ना हो, तो यहाँ पर एक में लेस्ट आएगा और शुड, लेस्ट शुड का पेयर चलता है, ठीक है, तो लेस्ट के साथ शुड कंडीशन क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स कि इट इज नेसेसरी, ये बड़ा ही आवश्यक है, दैट कि वी ब्लैंक यूज अम्ब्रेला ड्यूरिंग समर, ठीक है, ये बड़ा ही नेसेसरी है दैट वी शैल यूज अम्ब्रेला, वी शुड यूज अम्ब्रेला, वी मस्ट यूज अम्ब्रेला और वी वुड यूज अम्ब्रेला, सिंपल सा सेंटेंस है, नेसेसरी है कि हमको करना ही चाहिए, तो शुड का यूज कर सकते हैं हम, तो इट इज नेसेसरी दैट वी शुड यूज अम्ब्रेला ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट है भैया, आई ब्लैंक रेदर गो ऑन फुट ब्लैंक एज अ फ्लिफ्ट, आई वुड रेदर गो ऑन फुट देन आस्क, आई शल देन, आई शुड देन और आई विल देन, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वुड रेदर के साथ देन का पेयर बनता है, वुड रेदर के साथ किसका पेयर बनता है, देन का, तो यहाँ पर रेदर तो लिखा हुआ है, आपको क्या यूज करना है, वुड रेदर और देन, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक नॉट फाइंडिंग बस आई हैड टू गो ऑफिस बाय टैक्सी दैट कॉस्ट मच, ड्यू टू नॉट फाइंडिंग बस, ऑनिंग फॉर, ऑनिंग टू, ड्यू टू, ड्यू टू जो होता है ये रीजन को बताता है, कारण को बताता है, क्या कारण बताता है, ड्यू टू का मतलब भी होता है कि कारण, ठीक है, लेकिन ये जो के कारण यहाँ पर जो ड्यू टू का यूज़ किया जाता है ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है, परिणाम को बताता है, ठीक है, लेकिन हम ये परिणाम नहीं है, ये जो हमारा कारण है ये कारण किस तरीके का है, ये कॉजिंग है, संदर्भ के सेंस में, किस सेंस में, कि उस संदर्भ में उसे रेफरेंस लिया जा रहा है इस कारण का, तो ये रिजल्ट नहीं, फाइनल कंक्लूजन नहीं है, तो यहाँ पर जो इसके लिए यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा फ्रेंड्स ऑनिंग टू, इसका अर्थ भी के कारण होता है लेकिन ये रेफरेंस के सेंस में होता है, और ये ड्यू टू किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑनिंग टू, ऑनिंग टू नॉट फाइंडिंग द बस, ये इस संदर्भ में कि भाई उन्होंने बस नहीं मिली, आई हैड टू ऑफिस बाय टैक्सी, मुझे टैक्सी से जाना पड़ा जिसके कारण मुझे काफी खर्च करना पड़ा, दैट कॉस्ट टू मच। नेक्स्ट है राम इज ब्लैंक, सॉरी राम इज सो टायर्ड, अब यहां पर देखिए इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, चार क्वेश्चंस में से ये चार पॉइंट दिए हुए थे, अलग अलग पार्ट होता है, इस पार्ट में से इनकरेक्ट पार्ट को आपको फाइंड करना होता है, एसएससी आज तक भी मतलब जो इस तरीके के क्वेश्चंस की को काफी मात्रा में पूछता है, ठीक है, राम इज ब्लैंक, राम इज सो टायर्ड एज ही कैन नॉट वॉक, देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि ये जो सो के साथ दो यूज किए जाते हैं, एक यूज किया जाता है सो के साथ दैट का, एक यूज किया जाता है सो के साथ एज का, बड़ी बारीकी से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो काफी हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, क्या है समझेंगे, सो दैट जब यूज किया जाएगा तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज की जाएगी,
मतलब एक क्लॉज का यूज करना है, और एज जब यूज किया जाएगा तो सिंपल सा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या बीच में एज और टू के बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। यहां पर देखेंगे सो टायर्ड एज, अब एज का यूज किया गया है तो एज के बाद हमने क्या बोला है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, ही सब्जेक्ट है, केन वर्ब है, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर क्या यूज किया जाना चाहिए था, दैट का यूज किया जाना चाहिए। तो क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट, दैट होगा, एज का यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई, सो के साथ हम एज भी लगाते हैं, सो के साथ दैट भी लगाते हैं। सो के साथ जब हम एज लगाते हैं, सो के साथ जब हम एज लगाते हैं फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे तो टू के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे हम टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। तो सो एज के साथ, सो एज के साथ हमें इन्फिनिटिव का यूज करना है, और सो देट के साथ, सो देट के साथ एक सेंटेंस आएगा, और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, पूरा सेंटेंस तरीके। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो यहां पर सो एज आया है, तो सो एज के बाद हमने क्या यूज किया है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन सो एज के बाद क्या आ गया, ही, तो इसका मतलब एज नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए, दैट का यूज किया जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट, शी हैज डन नथिंग एंड क्राई ऑल डे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे नथिंग जो आता है तो नथिंग के साथ क्या होता है, नथिंग के साथ हम एंड का यूज नहीं करते, नथिंग के साथ हम यूज करते हैं बट का, नथिंग के साथ किसका यूज करते हैं, बट का। तो नथिंग के साथ यहां पर एंड यूज कर लिया गया जो कि इनकरेक्ट है, सी वाले पार्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, बट का यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कदाचित, कभी कभी, और एवर यूज, ही सेल्डम और एवर। एक और यहाँ पर बड़ा प्यारा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, सेल्डम के साथ हम नेवर का यूज करते हैं, क्योंकि सेल्डम अपने आप में नेगेटिव सेंस लेकर के आता है, सेल्डम का मतलब होता है कदाचित, कभी कभी, ठीक है, तो कभी या तो कभी कभी या कभी नहीं, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कभी कभी और हमेशा, कभी कभी और हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभी या कभी नहीं। तो सेल्डम के साथ हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, नेवर का, यहाँ पर क्या यूज कर लिया, एवर, जो कि इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है जो मास स्टडी पर मिलेगा, बड़ा ही प्यारा सा कोर्स है, और आजकल तो कुछ ऑफर चल रहा है, सस्ते में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आई टुक मेडिसिन सो एज आई माइट, अभी वही बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, क्या कि भैया सो एज आएगा ना तो आपको टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और अगर सो देट आएगा ना तो फिर आप बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये एज हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, एज नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि एज किसके साथ आता, अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या आना चाहिए, देट का यूज किया जाना चाहिए, तो सो के साथ यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, देट का यूज किया जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ब्लैंक है, शी डज नॉट नो व्हाट हैव यू बॉट, शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है व्हाट हैव यू बॉट, कि आप क्या लेकर के आए हैं या आप क्या लाए हैं, व्हाट हैव यू बॉट, ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, क्या बताया था कि भैया अगर किसी सेंटेंस में हम कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमने बताया था, कंजंक्शन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से मतलब हम बता रहे थे, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ अगर हम कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैव का होगा, ठीक है, वहाँ पर मतलब सब्जेक्ट है वो मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा कंजंक्शन के रूप में अगर हम डब्ल्यू एच का यूज़ कर रहे हैं, कंजंक्शंस के रूप में अगर हम डब्ल्यू एच का यूज़ कर रहे हैं तो फिर डब्ल्यू एच के साथ हम सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तब ये सही होगा। अगर हम डब्ल्यू एच के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर अगर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट या इस तरीके का पैटर्न गलत हो जाता है। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया आप मार्केट से क्या लेकर के आए हो, तब हम कहेंगे कि व्हाट हैव यू बॉट,
लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे पता है कि क्या लेकर के आए हो, मुझे पता है कि क्या लेकर के आए हो। अब यहां पर मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपको बता रहा हूं, और बता रहा हूं तो फिर इस पैटर्न का फॉलो नहीं करेंगे, स्टेटमेंट कंजंक्शन में इसको यूज करेंगे। तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए था, आ क्या गया, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ये यू यहां पर आएगा तो क्या होगा, व्हाट यू हैव, ठीक है, बोट, व्हाट यू हैव बोट, तो यहां पर ये एरर है, नहीं समझ में आया। अरे भैया समझ में आएगा क्या, ध्यान क्या रखना है कि डब्ल्यू एच अगर कनेक्टर के रूप में बीच में सेंटेंस के बीच में अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो क्या डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, आ क्या गया, हेल्प है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। अगर ये यू पहले आता है बाद में आता तो फिर सही होता, कोई समस्या नहीं थी। नेक्स्ट है इफ ही वॉज, अरे बड़े भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने बड़ी प्यारी सब बात बताई थी, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कहा था कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है ना, अगर इफ से, जनरली अगर इफ से नहीं हो रहा है ना, तो देखो अगर इफ से नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, वी यू दे के साथ क्या यूज करेंगे, सर हम वी यू दे के साथ वर का यूज करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, और क्या यूज करेंगे, सर ही शी इट नेम के साथ हम वाज का यूज करेंगे। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सही है, हमेशा ऐसा ही कीजिए। लेकिन किंतु परंतु बट अगर आपको कहीं पर दिख जाए इफ, क्या दिख जाए फ्रेंड्स, इफ दिख जाए, और सर और भी कोई से वर्ड होते हैं, हाँ सपोज दैट, ये अगर आपको दिख जाए है ना, आई विश, इस तरीके का शब्द अगर आपको दिख जाए, ये शर्त वाले, अगर इस तरीके का कंडीशनल वाले सब्जेक्ट दिख जाए, तो फिर ये सभी को भूल जाना और क्या करना, कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो आपको यूज करना है वर। इफ से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर, अदरवाइज आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, ही सिनेमेटिक के साथ वॉज, इसी को। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि इफ के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर ही के साथ वाज नहीं यूज करते हुए हम क्यों यूज करेंगे वर, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि अगर इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट वाई आई वॉन्ट टू रीड दिस वर्क, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकता, दैट की वाई आई वॉन्ट। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन की वाई दैट, ये दैट भी एक कंजंक्शन है और वाई भी एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन दैट भी है और एक कंजंक्शन क्या है, वाई भी है। दैट का मतलब, तो यहां पर दो कंजंक्शन एक साथ नहीं यूज होंगे, यहां पर दैट का यूज नहीं किया जाएगा, क्या होगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि वाई आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को क्यों पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, तो दोनों एक कंजंक्शन है, इसे दोनों का उपयोग नहीं करेंगे, केवल वाई का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट समझ सकते हैं, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह रिच है इसीलिए, अरे भैया ये जो है ना बिकॉज के साथ ये देयरफॉर मत लगाना, नहीं जमता, कर इनकरेक्ट हो जाता है। क्या करना है, बिकॉज ही इज रिच, सिंपली कॉमा लगा दीजिए और अगला स्टेटमेंट लिख लीजिए। अगर आप बिकॉज से सेंटेंस के स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर वहां पर देयरफॉर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह रिच है, आप जानते हो वहां पर अलग से क्योंकि लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज के साथ देयरफॉर का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द रीजन व्हाई ही फेल्ड इज बिकॉज, वही है देखो, द रीजन वाई के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिकॉज का यूज नहीं करते, दैट का यूज करते हैं। द रीजन वाई के साथ किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज कर किया जाता है, बिकॉज का यूज नहीं किया जाता है, ये पेयर है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 10 years हैव पास्ड सिंस आई हैव, देखिए जब यहाँ समय दिया हो, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि यहाँ पर अगर टाइम दिया हुआ, अगर यहाँ पर सिंस दिया हुआ हो तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, हैव सीन नहीं आएगा, केवल आएगा सा। ठीक है, तो 10 years हैव पास्ड सिंस आई सा यू, ठीक है, यह स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोलोमन इज नॉट ओनली फेमस फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो फॉर हिज वेल्थ, ये देखिए बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, सोलोमन जो है कि ना केवल इस अपनी वेल्थ के लिए फेमस है लेकिन अपने विजडम के लिए भी, तो यहाँ पर नो एरर है, कोई गलती नहीं है, बड़ा ही प्यारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नीदर राम और, अरे बड़े भैया ये हमने बताया था ना, नीदर के साथ और नहीं लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, इधर के साथ और लगता है, ध्यान रखेंगे, क्या नीदर के साथ नोर लगता है, इधर के साथ और लगता है, यहां पर क्या लगा दिया, नीदर के साथ और लगा दिया, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं, ही इज द सेम हु हेल्प्ड मी. ही इज द सेम, यह वही व्यक्ति है हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की. कोई इनकरेक्ट, नो एरर, सही है. ठीक है, नेक्स्ट है, आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड अबाउट हिम. आई हैव नेवर सीन हिम, ना तो मैंने उसके बारे में देखा. यह सीम नहीं होगा, यहाँ सीन होता है. ठीक है, आई हैव नेवर, मैंने नहीं सुना है, नॉर हर्ड अबाउट हिम, ना ही उसके बारे में देखा है. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमने एक स्टेटमेंट और बताया था, क्या, कि नीदर के साथ हम लगाते हैं नॉर, और नेवर, नॉट और नो, इनके साथ हम लगाते हैं और. बात समझ में आ गई? नीदर के साथ क्या लगाएंगे? नोर. और नेवर, नॉट और नो के साथ हम क्या लगाएंगे? और. यहां पर लगा दे क्या? नोर, जो कि इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट. ठीक है, ये जो और नॉट है ना, इसको हम जोड़ने के लिए लगाते हैं वेदर. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है वेदर ही विल कम और नॉट, या तो आएगा या नहीं आएगा. ही विल ईदर डू द वर्क एल्स. ईदर के साथ अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ईदर के साथ क्या यूज करते हैं? और का यूज करते हैं, एल्स का यूज नहीं करते हैं. द चॉइस इज ब्लैंक बिटवीन ग्लोरियस डेथ और. बिटवीन यानी के बीच में, और बिटवीन किसके बीच में? कोई एक चीज एंड दूसरी चीज. बिटवीन के साथ ध्यान रखेंगे हम एंड जोड़ेंगे, और यहां पर क्या जोड़ दिया भैया? बिटवीन के साथ और जोड़ दिया, जो कि इनकरेक्ट होता है. बड़े ही सरल से, बड़े ही इजी, बड़े ही आसान से कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है, ही हैज लिव्ड बोथ इन इंडिया एज वेल एज. अरे भैया, बोथ के साथ हम क्या यूज करते हैं? एज वेल का नहीं, बोथ के साथ हम यूज करते हैं क्या? बोथ एंड, बोथ एंड ऑल्सो. ठीक है, बोथ एंड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है, लेट अस नो इफ ही कैन कम और नॉट. ठीक है, और नॉट आ गया तो इफ नहीं आता है, वेदर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है, श्वेतलाना इज अ ब्यूटीफुल बट एवरी ड्रेस सूट्स हर. ठीक है, देखिए ये श्वेतलता इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन हर ड्रेस उसको सूट करती है, ये तो कॉन्सेप्ट गलत है. बट का यूज कब करते हैं? जब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो. यहां पर क्या हो रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, ये भी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर ड्रेस शूट करती है, ये भी पॉजिटिव है. तो यहां पर बट की जगह हम क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे. बात समझ में आ गए? अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ठीक है, और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है स्पेशली आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, जिसमें लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है. टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, और बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है सर, ये कहां मिलेगा ये कोर्स? तो भैया आप इसके लिए मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. सर मास स्टडी ऐप कहां मिलेगा? अरे भैया गूगल प्ले स्टोर, जहां से हम अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना, वहां पर जाइएगा, वहां पर डाउनलोड कीजिएगा, मास स्टडी ऐप मिल जाएगा, बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा. सर इसके अलावा कोई और सा कोई दूसरा कोर्स भी है? हाँ फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जहां पर शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी, जीरो से हीरो लेवल तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा. तो बड़ा ही प्यारा कोर्स है, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आप ये ले सकते. ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं सर, हम स्पोकन बेसिक तो हमको जानते हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो ये स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है, एक्सपर्ट एडवांस बैच. ठीक है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 3 मंथ का रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेगी, एडवांस लेवल के कन्वर्सेशन मिलेंगे, डिबेट होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी, बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा. क्या अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों की मानसिकता अलग अलग होती है, बच्चों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, और उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता को ध्यान में, भाषा शिक्षण क्या होता है, किस तरीके से, वो सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, किड्स का स्पोकन इंग्लिश बैच, जहाँ पर LSRW के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया कोर्स है. तो बच्चों को इसमें जरूर एडमिशन कराएं. ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइम वोकैबुलरी. आपको लग रहा है कि बोलते बोलते इंग्लिश बोलते बोलते कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं, हमको सारी चीज़ याद नहीं रह रही है, वर्ड नहीं याद आ पाते, तो स्पेशली वोकेबुलरी कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर आप कंप्लीट समझते हैं अलग अलग
वर्ड्स को, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं सर, कोई पर्सनल ट्रेनर मिले हमको, पर्सनली हमको समझाए, हमको पर्सनली हमारी हर बात को सुने, हमारी गलतियों को पकड़े, हमको हर बात बात पर टोके और हमको एकदम कंप्लीट बनाए और हम जो भी पूछना चाहे जब पूछना चाहे तब पूछ सकते हैं। तो ये वन टू वन ट्रेनर, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर है, जहाँ पर एक घंटे के लिए टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। वन टू वन लाइव इंटरेक्शन रहेगा, आप रहेंगे, आपके टीचर रहेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं लैंग्वेज से रिलेटेड वो बता सकते हैं, आपको सुनेंगे, आपके हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर आपको काम करना है। तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए अवेलेबल है। आपको लग रहा है सर हमको कोई सी बुक मिल जाए, ठीक है, तो बुक आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की स्पेशल बुक डिज़ाइन की गई है, ठीक है। सर ये सारा कंटेंट मिलेगा कहाँ? तो आप मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ऑनलाइन डेली यूज सेंटेंसेस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इंग्लिश ग्रामर के लिए तो आपका चल ही रहा है, और पहले हमने बोला इंग्लिश ग्रामर का ऑल इन वन कोर्स कहाँ मिलेगा सर? तो भैया मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।